रांची जिला पंच परगना बुंडू के सोनाहातू थाना क्षेत्र में एक किशोर का शव जले हुए अवस्था में पुलिस ने बरामद किया है। सोनाहातू के दानाजी गांव कठर टोली के झाड़ी के समीप ये शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान अमित कुमार महतो के रूप में हुई है। मृतक कठर टोली गांव का था। बताया जाता है कि अमित शनिवार को दोपहर में घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था और घर वापस नहीं लौट आया। सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। मृतक 8वीं क्लास का छात्र था। किस कारणों से हत्या हुई है पुलिस मामले की तहकीकात करने में जुटी है। वहीं क्षेत्र में भी घटना के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे आखिर किसने घटना को अंजाम दिया। एक पढ़ाई करने वाले छात्र की ऐसी क्या गलती थी कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शव जले हुए अवस्था में मिलने पर पुलिस भी हत्या के पीछे की वजह को खोजने में जुटी है। रांची जिले के पंचपरगना क्षेत्र में निवास करने वाले लोग लंबे समय से जंगली हाथियों के दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। आज अहले सुबह जंगली हाथियों का दल सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के तेलवाड़ी पंचायत अंतर्गत सोमाजी गांव के नजदीक पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीण डरे सहमे जंगली हाथियों को गांव के समीप से भगाने का प्रयास किया। हालांकि जंगली हाथियों की संख्या दर्जनों से अधिक है और उनके बच्चे भी हैं। इसी तरह पंचपरगना क्षेत्र में जंगली हाथियों का दल विभिन्न जंगल क्षेत्र में शरण लिए हुए है। कब किधर जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। जंगली हाथियों के कुचले जाने से अनेक लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार का कोई ठोस पहल नहीं किया जाता। लंबे समय से जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान और पीड़ित है। जंगली हाथियों को अपने गांव क्षेत्र से भगाने के लिए बम पटाखा तक उपलब्ध नहीं रहती है। डरे सहमे लोग लंबे समय से यहां जीवन यापन कर रहे हैं। इधर झारखंड की राजधानी रांची में मामूली सी बात पर एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू गोद कर हत्या कर दी। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हज हाउस के समीप रहने वाले शहनाज प्रवीण को शनिवार को रात 10 बजे पति ने छुरे से मारकर जख्मी कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। शहनाज की गलती बस इतनी थी कि उसने पति मोहम्मद कारू के साथ रात में ससुराल जाने से इनकार कर दिया था। विदाई नहीं होने से गुस्साए पति ने उसके शरीर पर छुरे से कई वार किए। पत्नी को घायल करने के बाद पति अपने ससुराल से भाग निकलने में कामयाब रहा। इधर परिवार के सदस्य और पड़ोसी जख्मी शहनाज को इलाज के लिए रिम्स ले गए, जहां घटना के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची अरगोड़ा थाना पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद कारू को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के गाड़ीखाना पहाड़पुर में उसके आवास के समीप से देर रात को गिरफ्तार कर लिया।